गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। जय माता दी। कैसे आप सभी गाइस? तो करते हैं आज के ब्लॉग की शुरुआत। तो आप देख सकते हैं मैं ना शाम से अपना ब्लॉग शूट कर रही हूँ। 3 बज रहे हैं शाम के और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी रेखा भाभी फिर आ गई हैं। और कहाँ गई थी, कहाँ बिजी थी आप? गई थी पूजा में, शिव चर्चा में। क्या कर प्रसाद देखे लेके आए शिव गुरु का? थोड़ा सा दीजिए बस, थैंक यू। भाभी हाँ। मेरे लिए मन्नत मांगी है, मांगी कल की हमारी दीदी के दोस्ती न छूटे, आज सही सलामत कर दीजिए, हाथ के ठीक कर दीजिए खूब अच्छा से, सही सलामत चैनल ग्रोथ कर जाए। हाँ, चैनल पास कर दे, वायरल हो जाए, वायरल हो जाए। अच्छा अच्छा, देखिए भाई हमारे लिए भाभी कितना सारा दुआ मांगी है। और सब यही है, आप सब पे भी शिव गुरु दया बरसाते रहे। और आप लोग चैनल पे नए सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। भाभी खाना खा लीजिए, मैं आपके इंतजार कर रही थी कि रेखा भाभी कब आएंगी तो मैं खाना खाऊंगी। ना भाभी अभी सोच रही थी आप आएंगी तो खाऊंगी। तो हम खाना निकाल के लाते हैं, खाए थे ठीक है, निकाल के ला रहे हैं। आप लोग ब्लॉग पे बने रहे, हम खाना निकालते हैं। चावल ज्यादा बना दिए? हाँ, दीक्षा बनाई है दाल और साग, मतलब पालक दाल बनाई है। और मैं खाना निकालती हूँ और इसके बाद कल दीक्षा जाने वाली है गाइस, वैष्णो माता जाने वाली है। सबको मैं लाइव पे बता दी थी, कुछ लोग को वीडियो पे भी बता दे रही हूँ, कल जाने वाली है। क्या लग रहा है खाना? बहुत सुंदर। देखिए गाइस हमने पालक दाल बनाई, दीक्षा ने बनाई है और ये मैं खा रही हूँ। आइए गाइस आप लोग भी खा लीजिए, तो हम रेखा भाभी के साथ खा रहे हैं। रेखा भाभी सब्जी तो नहीं बनी है, कैसा लग रहा है पालक दाल? अच्छा लग रहा है। तो गाइस हम लोग खा लेते हैं, इसके बाद आप लोग कुछ समझते हैं। आप लोग ब्लॉग पे बने रहिए ठीक है। आइए आप लोग भी खा लीजिए और प्लीज मुझे सपोर्ट करिए। और मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, जल्दी जल्दी मेरा लाइक करिए ठीक है। गुड मॉर्निंग, कैसे आप सभी? तो सुबह के बज रहे 9। देखिए यहाँ पर किचन में दीक्षा बना रही है, टिफिन बना रही है हस्बैंड जी के लिए। और यहाँ पे ना टिफिन लगा रही है और इसको कहीं जाना है गाइस, इसको जाना है वैष्णो देवी, तो ये तैयारी कर रही है। तो ये आज शाम को निकल जाएगी, तो मैं इसका जाने वाला ब्लॉग अभी बना दूँ। कब जाओगी? इधर देखो, हेलो करो। 6 बजे कब आओगी? 7 बजे आ जाओगी? 6 बजे जाओगी तो इधर देख के बोलो ना, कितने बजे आओगे? कितने बजे? 6 बजे जाएंगे। हाँ, 7 को आएंगे। 7 को आओगे? 7 तारीख को ही आएगी गाइस। तो अभी इनके सिस्टर आ रही हैं और पूरी मायके की फैमिली आ रही है, तो ये लोग आधा लोग वहाँ मिलेंगे, आधा लोग आ रहे हैं। तो इनकी एक सिस्टर रहती है पीलीभीत, तो वहाँ से आ रही है और सब लोग जा रहे हैं पीलीभीत। कहाँ रहते हैं? भिलाई, सॉरी गाइस भिलाई रहते, भिलाई पीलीभीत और भिलाई में कंफ्यूज हो जाती हूँ। कहाँ रहते हैं? भिलाई रहती है ना, भिलाई MP में रहते हैं। हमारे ब्लॉग में MP के बहुत लोग हैं। तो गाइस अभी जाने वाली है दीक्षा, थोड़ी देर तो तैयारी में लगी हुई है। और आप लोग अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, वीडियो पे कमेंट करिए। तो इसलिए मैंने अभी ब्लॉग दिखा दिया। इनकी सिस्टर लोग को पता नहीं वीडियो में आना पसंद है कि नहीं होगा, इसीलिए दीक्षा को पहले ही दिखा दिया मैंने। तो आप लोग प्लीज चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। इसके आगे की वीडियो अब अगले वीडियो में आए, ब्लॉग वीडियो में आएगी। तो यहाँ तक का ब्लॉग अब यहीं तक ख़त्म करती हूँ। बाय बाय गाइस।